हाय फ्रेंड्स, मैं शुभोजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से आप एक्सेल में मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्रो एक्चुअली है क्या, वो पहले जान लीजिए। मैक्रो एक टेक्स्ट रिकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग मोबाइल में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह से अगर टेक्स्ट को भी हम लोग को रिकॉर्डिंग करना है एक्सेल थ्रू, तो हम लोग कर सकते हैं। ये वर्ड में भी होता है दोस्तों, वर्ड में भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज एक्सेल में सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल में हम लोग मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले कोई एक एक्सेल फाइल खोल लेते हैं। तो ये मेरा एक एक्सेल फाइल है। तो इसमें देखिए मैक्रो कैसे काम करता है। तो मैक्रो को करने के लिए पहले आपको मैक्रो को ऑन करना पड़ेगा, जैसे हम लोग को मोबाइल में भी अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए पहले वॉइस रिकॉर्डर जो सॉफ्टवेयर है हम लोगों का, उसको पहले ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको मैक्रो को ऑन करना पड़ेगा। तो मैक्रो कौन सा टैब में होता है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। व्यू में होता है मैक्रो। देखिए यहाँ पे व्यू में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको मैक्रोज। तो इस मैक्रोज का जो लिस्ट पॉइंट, इसमें आप पहले क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करना होगा। रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एक नाम मांगेगा, मैक्रो नेम। तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, तो मैं यहाँ से मेरा नाम ही देता हूँ। देने के बाद आपको एक शॉर्टकट की मांग रहा है यहाँ पे, कि कंट्रोल दबा के आप एक शॉर्टकट की, मतलब आपको शॉर्टकट की जब कीबोर्ड से देना होगा, पहले नॉर्मली देना होगा, लेकिन आप जब मैक्रो को रन करना चाहेंगे शॉर्टकट की से, तो आपको कंट्रोल को दबा के वो बटन को प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्यू दे देता हूँ, आप कोई भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको करना है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक को नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको बस करना है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, इसमें क्लिक करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ओके कीजिए फिर से, ओके सॉरी, ये नाम पहले से है तो कंट्रोल क्यू से पहले मेरा कुछ सेव है, तो चलिए कोई दूसरा बटन दे देता हूँ। तो कंट्रोल जेड दिए फिर ओके। अब देखिए हो गया। तो मैक्रो अगर रन हो चुका है आपको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये नीचे एकदम लेफ्ट साइड नीचे आइए, जहाँ पे देखिए रेडी लिखा हुआ है, रेडी, उसके साइड में एक ऑप्शन दिखा रहा है जहाँ पे लिखा आ रहा है ए मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। मतलब एक मैक्रो अभी आपका चल रहा है, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। तो चलिए मैं पहले कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा जो पेज है इसमें कुछ लिख लेता हूँ। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे नेम, रोल नंबर बंगाली, शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, और टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे दो जन का नाम भर देते हैं, अमित, रोल नंबर वन बंगाली में सपोज नंबर भर देते सभी का, अब फ्रेंड्स टोटल कर लेते हैं। आप लोग अगर टोटल करना एक्सेल में आता है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए कि किस तरह से टोटल किया जाता है। तो टोटल करने के लिए हम लोग सबसे इजी जो तरीका है वो है कि कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना होगा जहाँ पे आपको टोटल को करना है, फिर आप ऑल्ट दबा के इक्वल्स टू दबा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या ले रहा है, इक्वल्स टू सम फर्स्ट ब्रैकेट बी टू इज टू जी टू, लेकिन यहाँ पे बी टू इज टू जी टू नहीं होगा, क्योंकि ये रोल नंबर का जो बी टू है ये मेरा टोटल के साथ ऐड नहीं होने वाला है। तो हमको यहाँ से सी टू का करना है। तो सी टू करने के लिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लैक बॉर्डर के नीचे बी टू, इस बी को आपको डिलीट करना है और यहाँ पे लिखना है बस सी टू, और आपको कर्सर को लास्ट में लेके जाना है और एंटर देना है। तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, और एक बार टोटल हो गया तो हम इस कर्सर के जरिए नीचे ड्रैग करेंगे तो दूसरा टोटल भी हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा सपोज टेबल मैंने कंप्लीट किया। तो आप लोगों का कुछ काम होगा तो आप लोग पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद आपको स्टॉप में क्लिक करना होगा जहाँ पे दिखाया था ए मैक्रो इज कर रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए तो मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अब देखिए शीट टू में चलते हैं, मतलब ये जो मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया है इसको मैं शीट टू में चाहता हूँ। तो शीट टू में अगर इसको चाहिए हमको, तो शीट टू में एकदम फर्स्ट बॉक्स में मेरे को क्लिक करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मतलब जिस शीट में आप, जहाँ से मैक्रो को रिकॉर्डिंग किए थे,
जहाँ से स्टार्ट किए थे, दूसरा कोई भी शीट में आप उसको रन कीजिए, लेकिन आपको कर्सर को पहले उसी जगह से उसी जगह में रखना पड़ेगा जहाँ जो जो जगह से आप मैक्रो को स्टार्ट किए थे दूसरा शीट में। तो मैं भी यहाँ पे शीट टू में आके फर्स्ट में कर्सर को रखता हूँ। उसके बाद आपको जाना है व्यू टैब से मैक्रोज में, मैक्रोज में जाने के बाद व्यू मैक्रोज। अब जिस नाम से सेव किए, देखिए पर्सनल XLB शुभजीत दिखा रहा है मेरा नाम से जो सेव किए थे, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रन कीजिए तो देखिए मेरा आ गया है जो मैंने रिकॉर्डिंग करके लिखा था। तो एक बार ये आ गया मतलब मेरे को जितना बार इसको चाहिए होगा हम उतना बार ला सकते हैं। कि शीट थ्री में आ गया है, शीट थ्री में आने के बाद मैक्रोस में जाके हम व्यू मैक्रोस में जाएंगे और वहाँ से मेरा जो मैक्रो नेम होगा उसमें क्लिक करके रन कर देंगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ तो आप कंट्रोल जेड से भी ला सकते हैं क्योंकि कंट्रोल जेड से इसको मैंने किया था। तो देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड में क्लिक किया तो भी ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये तो इस सीट में आ रहा है बुक वन में, अगर इसको कोई नया शीट में चाहिए होगा तो क्या करेंगे। तो चलिए कंट्रोल एन दबाते हैं कीबोर्ड से नया बुक लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा दो एक्सेल फाइल अभी खुल गया है, एक बुक वन जिसमें मेरा मैक्रो अब था और बुक टू में भी अगर हम आते हैं तो इसमें भी मेरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शीट वन में मैं आया हूँ तो शीट वन में कर्सर को रख के भी अगर मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो वहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बार मैक्रो को बना के कोई भी शीट में उसको पेस्ट कर सकते हैं, मतलब रन कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए। बहुत सारा कामों में ऐसा होता है कि आप लोग एक टेबल को बनाते हैं तो वो टेबल बार बार आपको ज़रूरत होता है, तो उस टाइम पर आप लोग मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ईजी तरीका है, एक बार करके देख लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए आता हूँ बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे।